लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जवानों से प्यार और बुजुर्गों से आशीर्वाद। आपसे आशीर्वाद चाहिए अनोखी देवी। अरे तुझसे चाहिए, तू भाई बना फिरता है ना उसका। सुन सुन उसको। भाइयों और बहनों, आंसुओं से कह दो, आंसुओं से कह दो, अब आंखों से बहना छोड़ दें। इन लबों से कह दो, अब खामोश रहना छोड़ दें। अपनी चिंगारी की लौ को जलाओ दोस्तों, अपनी चिंगारी की लौ को जलाओ दोस्तों, दिल में जो बारूद है उसे जलाओ दोस्तों। आपका भविष्य खतरे में पड़ गया, सारे नारे अनोखी देवी के लिए लग रहे हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, जितनी अनोखी देवी बड़ी बनेंगी उतना हमारा कद बढ़ेगा। भाई और बहनों, आज मुझसे स्कूल का उद्घाटन दीनानाथ जी ने करवाया है, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दीनानाथ जी तो खुद एक बहुत बड़े नेता हैं, वो खुद ही स्कूल का उद्घाटन कर सकते थे, पर न जाने क्यों उन्होंने इस मामूली सी कलाकार को इज्जत बख्शी है। वाह, मैं दीनानाथ जी का दिल से स्वागत करती हूँ। गले लगी। दोस्तों, आप सब ये जानते ही हैं कि अनोखी देवी आपके दिलों में छाई हुई हैं, लेकिन आज इन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया है और ये हमारी पार्टी में चार चांद लगाएंगी। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कला और राजनीति का अनोखा संगम। अब एक बात देखी तन्ने, पब्लिक दीवानी थी और मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं दीनानाथ तेरी बाबाई देख के खुद ही डर जाए और बोले, मैडम जी तुम्हारा राजनीति में आना ठीक नहीं है। शैतान का नाम है शैतान। गड़ी कम्मा हुजूर, पधारो। मानी मानी। अरे वाह वाह वाह, नोकी जी आज आपका भाषण सुनकर वो बोलते थे, भाइयों और बहनों, जनता में सन्नाटा, लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। आपने आज जो भाषण दिया है, मजा आ गया। मान गया नौकी देवी जी, आपको मान गए। गाड़ी गियर में आ गई। आपके रोम रोम में करिश्मा है। मैं चाहता हूं कि आप ये किराए के कमरे को छोड़ के आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाइए, मैं करवाऊंगा। मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर औरत बनाना चाहता हूं। मैं आपको MLA बनाऊंगा, मैं आपको मिनिस्टर बनाऊंगा, मैं आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी दूंगा, आगे पीछे आपके अंगरक्षक होंगे हथियारों से लैस। जब आप अपने दफ्तर से निवास स्थान की तरफ जाएंगी तो सबसे आगे पुलिस की सायरन वाली गाड़ी, पीछे आपकी गाड़ी, उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां, और जब तक आप अपने घर में प्रवेश नहीं करती पूरा शहर ठप, ट्रैफिक जैम। नाउ बॉडी मूव। थाने यकीन है मैं राजनीति में कामयाब हो जाऊंगी। भाई आपके पीछे दीनानाथ है ना, वो दीनानाथ नहीं, ये दीनानाथ।
हाँ जी बोलो, हैं कैसा लगा बंगला, कैसा लगा, पसंद नहीं आया? चल दूसरा खुलवा देता हूँ। क्या ये क्या घूर रही है? इतना बड़ा घर? अरे भाई बड़े लोगों की बड़ी पसंद, मैं चाहता हूँ तू महारानी की तरह रहे, जितना तू खुश रहेगी उतना मुझे खुश रखेगी, है ना? क्या बोला राम जी? घड़ी खम्मा हुजू, नया जूता मिल जाए तो पुराना जूता फेंक देते हैं, समझी? चाहे कितना भी महंगा हो, मैं सोचता हूँ जितनी पावर दयाल के पास है वो सारी पावर तुम्हें ट्रांसफर कर दूँ। तुम्हें मुझे वो सब गुण नजर आते हैं जो एक अच्छे नेता में होते हैं। मेड़ता की सीट से तुम्हें MLA के लिए खड़ा कर दूंगा। तेरा अपना इलाका है, चल शुरू। अरे इधर रख पैर। करो नेता जी, मारे पगा पे किसी ने नेल पॉलिश लगा होता तुमको देख लिया फिर। अच्छा अब हम आप से तुम हो गए? प्यार में ऐसा ही होता है नेता जी। अरे फोन मत उठा यार। क्या हो गया? ये बात ये होगा। हेलो कहाँ है तू? अरे यार मैं पारिवारिक काम में व्यस्त हूँ। तेरा पारिवारिक काम मैं जानता हूँ। प्रदेश की प्लानिंग करनी है, CM साहब इंतजार कर रहे हैं, टिकटों का डिसीजन लेना है। इमेज बननी चाहिए इस सड़क को, सब माताएं बहनें प्रभावित होंगी। कैसी लग रही है मेरी महारानी? कोई मौका नहीं छोड़ते नेताजी। बस ऊपरा 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 पोजीशन बना लो। बस हो गया, नाइस, वेल डन। ए सुनो शर्मा जी। जी हुकुम। एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे शहर में ये होर्डिंग लग जाने चाहिए, बड़े बड़े लग जाएंगे जी। इतने बड़े कि मद्रास और लखनऊ दोनों को शर्म आ जाए। जी हुकुम। समझ गए जी? हाँ हाय हाय, एक प्राइवेट की। अरे दयाल बाबू। राम। घड़ी खम्मा। जय राम जी। पधारो मालक। राम। कैसे हो? जोरदार। वो तो आपके हाव भाव से ही लागे है। आपसे काम करवाना है, दीनानाथ से डेगाना की MLA की सीट कंफर्म करवानी चौधरी राम निवास की। 5 करोड़ रुपए देगा। क्यों मजाक कर रहे हो, दीनानाथ जी तो आपके भाईले हैं। हाँ लेकिन आज की तारीख में दीनानाथ के लिए मेरी बात से आपकी बात का महत्व ज्यादा है। मैं को नहीं कर सकूं। हाँ हुकुम, काम हो जाएगा। अरे मैं कठे बोलूं, मैं तो चुपी हूँ। अनोखी राजनीति तो ऐसा समुंदर है, हिम्मत करके कूद जाओ, जितनी बार कूदोगे बाहर निकलोगे मोती हाथ में आएगा। देखो अनोखी, ये राजनीति नोट छापने की मशीन है। राम राम सा। अरे राम राम, कहाँ चली जाती हो मेरी रानी? थारी चरणों में। अरे चरणों में तो हम थारे हैं, मत जाया कर, मन उदास हो जाता है। मारा भी यही हाल है। अरे मार डालोगी? काट खाऊंगी। राम निवास जी 5 करोड़ रुपए लेके आया है। जय राम जी की। जय राम जी की। मुखिया जी कैसे हो आप? बहुत खुश हो तुम्हारी तरक्की देख करके। सब आपकी मेहरबानी से। नहीं अनोखी, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी, मने माफ कर दे अनोखी, मने माफ कर दे। छोटे लोगों के साथ बैठा देख करके लोग क्या कहेंगे मुझे? अगर मेरे से बात करनी है ना तो एक काम कर, वहां जाकर बैठ, उठ वहां जाकर बैठ। छोटे लोग हैं, छोटे लोगों के पाव पड़ते किसी ने देख लिया तो थारी बहुत बदनामी होगी। मंगड़ा की लुगाई टिकट के लिए 5 लाख रुपया दे रही है, थारे पास का ही है देवाने? जो कुछ आज तक बचा के रखा है वो सब थारे हवाले कर दूंगी।
इससे काम नहीं चलेगा, धंधे का मामला है, पिस्सा कमाने का टाइम आया है, टिकट तो मैं मंगला की लुगाई को ही दूंगा। ये तो पिस्सा कमाने का टाइम है, आप जाके इलेक्शन की तैयारी करो और मैं खुद पब्लिक में आपके वास्ते वोट मांगने आऊंगी। थाकी बहुत मेहरबानी, थोड़ी की औकात नहीं है, चल निकल अटे तू, चल आइए टिकट ले। मौसी मौसी, मंगला के आदमी तेरे घर पे ताला लगा कर चले गए। ये सब क्यों हो रहा है? थारे आदमी क्यों मेरे घर ताला लगा के आए? चाबी चाहिए? अपनी अकड़ में मर रही है तू, जब चाहे माला माल हो सके। इतना बड़ा खजाना है थारे पास, जो तू सोचे ना वो कदे नहीं होवे। तो ठीक है, मारा 50,000 रुपए दे दे और चाबी ले जा। धीरे धीरे चुका दूंगी। अरे आज तक तो दिए नहीं, गांव वालों को पता चलेगा कि थारी माँ घर से बेघर हो गई है तो जो इज्जत बचा के रख रखी है तूने उसका क्या चार डालेगी। भी जवाब को नहीं गांधी जी, किसी को भी सड़क पे ले आओ, किसी को महिला में बिठा दो। 100-100 रुपए के लिए तरसती थी मैं, आज करोड़ों रुपए सामने पड़े हैं। पापा, अनोखी के घर गई थी पापा। पापा पता है रातों रात वो बहुत बड़ी हो गई है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, उसका तो रातों रात नक्शा ही बदल गया है। इस बैग में क्या है? 5 करोड़ रुपए अनोखी ने दिए हैं। हम पर विश्वास करती है ना पापा वो, और पापा पता है इलेक्शन लड़ रही है वो। वापस कर दो ये। पर क्यों पापा? उसे फोन करो कि आके ले जाए। चोरी करके नहीं कमाए मैंने ये पैसे, आप दौलतमंद परिवार से हैं, आपको पैसे की अहमियत मालूम नहीं। मैंने गरीबी देखी है, 100-100 रुपए के लिए अपनी माँ को बचपन में तरसते हुए देखा है। मेरा बेचारा बाप बचपन में ही गुजर गया, माँ की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसको मैंने तड़पते तड़पते मरते हुए देखा है। आपके लिए सिर्फ एक कागज के नोट है, पर मेरे लिए भगवान है भगवान। लोगों के ताने सुन सुन के आज ये अनोखी, अनोखी से अनोखी देवी बनी। दीनानाथ से कहकर मैंने MLA की टिकट करवा दी, बदले में मुझे 5 करोड़ मिल गए, तो इसमें क्या बुरा किया? बड़ा अफसोस होता है, सियासती टिकट काबिलियत पर नहीं पैसे के बलबूते पर बांटे जा रहे हैं। जब ये लोग जीत कर राजनीति चलाएंगे तो क्या होगा राज और क्या होगी नीति। अनोखी, इन मगरमच्छों के चक्कर में मत पड़, जब इन्होंने देश को नहीं छोड़ा तो तुझे क्या बख्शेंगे। वापस कर दे ये पैसे।